कि आज के तारीख में छोटी मुंह बड़ी बात करनी ठीक बात नहीं है, खास करके नरेंद्र मोदी जी के संबंध में। आपने देखा होगा कि विश्व स्तर पर, अभी जो रिपोर्ट आया एक महीना दो महीना पहले, विश्व स्तर पर सबसे लोकप्रिय नेताओं के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम है। और विगत 10 वर्षों में इन्होंने जो काम किया है वो काम है हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। सबसे पहला काम इन्होंने किया वन नेशन वन राशन कार्ड। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत 1,40,00,000,000 की आबादी है पूरे देश में, जिसमें 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मुहैया किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि। आज से 20-30 वर्ष पीछे चले जाइए, जब कांग्रेस का हुकूमत हुआ करता था तो लोग अनाज के अभाव में भूखे मर जाया करता था, लेकिन आज ऐसी बात नहीं। आज गरीब से गरीब लोग है उसके घर में भी 10 किलो 20 किलो अनाज है। दूसरा काम इन्होंने किया कि जो गरीब लोग थे, पैसा के अभाव में, दवाई के अभाव में उसकी मृत्यु हो जाया करती थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये देश का मौलिक, संविधान का मौलिक अधिकार है, चाहे गरीब हो और अमीर हो, सबको जीने का अधिकार है। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं किसी को दवाई के अभाव में मरने नहीं दूंगा। और उन्होंने अपने प्रधानमंत्री कोष से 5 लाख रुपया का अनुदान दिया और आज पूरे देश में करोड़ों लोग को उससे फायदा हुआ। तीसरा, आपने देखा होगा कि स्पेशल सुप पार्लियामेंट का सेशन बुला करके जो 30 वर्ष से लंबित था महिलाओं का आरक्षण, उसको उन्होंने लागू किया। एक प्रधानमंत्री अपने नेतृत्व में ऐसा सा कुछ काम किए हैं कि जो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और आप कौन की संजय राउत क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, औरंगजेब को तो उन्होंने देखा नहीं होगा, औरंगजेब को तो किसी ने नहीं देखा है। और आज है भारत के प्रधानमंत्री की तुलना किसी साधारण व्यक्ति से करना, ये हिंदुस्तान का जो संस्कृति है इसके खिलाफ। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पटना आ रहे हैं और यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे, लालू प्रसाद यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री का रोड शो, दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब देखिए, आप तो देख रहे हैं पूरे देश में कि विपक्ष का रोज एक एक विकेट डाउन हो रहा है। कांग्रेस के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, अब ऐसा एक दिन भी बाकी नहीं है जिस दिन कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में लोग ज्वाइन नहीं करता। तो एक एक प्रत्येक दिन कुछ न कुछ विकेट डाउन होता। और आज के तारीख में देश की जनता यह सुनने को कतई तैयार नहीं है कि जो देश में 50-60 वर्ष तक शासन जो व्यक्ति किया, एक परिवार किया, और आज फिर दोबारा उस परिवार के हाथ में सत्ता सौंपना, ये हिंदुस्तान की जनता को अच्छा नहीं लगता है। और आपको मैंने कहा कि देश का 70-75% आबादी आज प्रधानमंत्री को तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। और जो एनडीए का जो नारा है, मोदी जी का जो नारा है कि इस बार 400 पार, निश्चित रूप से 400 पार होगा। और बिहार में अगली बार हम लोग 39 सीट जीते थे, एक सीट किशनगंज कांग्रेस जीत गया था धोखे से, इस बार हम 40 में 40 सीट बिहार में जीतेंगे। आप कह रहे हैं कि 400 पार 40 की सीट बिहार में, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सरप्राइजिंग रिजल्ट है, और ऐसा रिजल्ट है। अरे बात है, तेजस्वी जी विपक्ष के नेता है। एक बात आप जान लीजिए, कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ता है और उसकी जमानत जब होने की स्थिति में रहता है, फिर भी कहता कि हम चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव के पहले भी कोई नहीं कहता कि हम चुनाव हार रहे हैं, चाहे हम हो या कोई भी व्यक्ति हो। तो देश की पुकार है, देश की जनता 1,40,00,000, मैंने पहले कहा कि 70-75% आबादी पुनः तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को देखना चाहता है। बारा जी, 12 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी पटना आ रहे हैं, रोड शो भी करेंगे, आप और आपके पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहेंगे। देखिए, मैं कल अपने पार्टी के पदाधिकारियों को मैंने बैठक बुलाई थी, उसमें हमारे दलित सेना के भी लोग थे, अपना बगल में बीनू जी बैठे हुए हैं, चंदन जी हैं, सब लोग हमारे पार्टी के प्रवक्ता हैं, देवयानी मिश्रा जी हैं। तो कल ये तय हुआ कि प्रधानमंत्री जी के रोड शो में यदि प्रशासन के द्वारा कोई रुकावट नहीं हुआ तो हमारी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, स्टेट से लेकर जिला में जितने भी हमारे पार्टी कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री जी के स्वागत में लोग रहेंगे। उसके अगले ही दिन वो 3 जगह चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, तो पहला जो चुनावी सभा है वो हाजीपुर में, तो क्या आपकी मौजूदगी रहेगी वहाँ? यदि मुझको निमंत्रण मिलेगा एनडीए की तरफ से या प्रशासन की तरफ से, यदि मुझको निमंत्रण मिलेगा तो मैं निश्चित रूप से जाऊँगा। इस बिहार के लोकसभा चुनाव में संविधान और आरक्षण की बात बार बार कही जा रही है, कहा जा रहा है कि आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा, संविधान को खत्म कर दिया जाएगा,
देखिए एक देहात में कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खम्भानो से, तो विपक्ष के पास में अब कोई मुद्दा रहा नहीं। कभी वो लोग हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, तो कभी आरक्षण की बात करते हैं, कभी संविधान बदलने की बात करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है देश में, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिया हुआ संविधान है। मैं समझता हूँ कि किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि संविधान को कोई छेड़छाड़ करे। क्या लगता है कि धर्म के आधार पर भी आरक्षण मिलना चाहिए? नहीं, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, निश्चित रूप से धर्म के आधार पर आरक्षण। देखिए जो समाज में शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर है, जो शैक्षणिक दृष्टिकोण से कमजोर है, जो सामाजिक दृष्टिकोण से कमजोर है, उसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान बना, अपने देश का संविधान बना, उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से जो लोग, जो व्यक्ति कमजोर है, उसको ऊंचे उठाने के लिए तब तक उसको आरक्षण की सुविधा दिया जाए जब तक सामान्य लोगों के समकक्ष नहीं पहुंचता है। इसलिए धर्म के आधार पर आरक्षण देना कतई इस देश के संविधान को अलाउ नहीं करता। आप पिछड़े वर्ग से आते हैं, तेजस्वी यादव? मैं पिछड़े वर्ग से नहीं आता हूं, मैं दलित वर्ग से आता हूं। दलित वर्ग से आते हैं, तेजस्वी यादव कहते हैं कि जो परिपूर्ण है, जो संपन्न है, उनको अपना आरक्षण का लाभ नहीं उठाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो फिर ये लोगों ने अपने शासनकाल में 70% आरक्षण कैसे दिया? आज से कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम थे ना भाई, और जो बिहार का जनगणना हुआ तो जनगणना के आधार पर क्यों ने उस सर्वे कराया कि जो आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न व्यक्ति हम उसको आरक्षण नहीं देंगे? ये तो करना चाहिए था उनको। तो अपने जब शासन काल में थे तो लोकप्रियता के लिए उन्होंने नहीं किया, और आज कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। तो ये सब देखिए, संविधान के तहत मैंने आपको पहले कहा कि आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, सामाजिक दृष्टिकोण से जो समाज के दबे कुचले लोग हैं, चाहे उस दलित हों, पिछड़ी जाति के लोग हैं, महादलित लोग हों, अति पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनको समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए निश्चित रूप से आरक्षण मिलने चाहिए।